नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में रेल में चोरी का खुलासा रेल पुलिस ने कर दिया है। ताज़ा मामला 10 नवंबर का है, जहां पे रेल में राजस्थान से चलकर पटना आ रही आरा से रेकी की गई कामाख्या एक्सप्रेस में चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें 2 करोड़ रुपए के सोने और 2 लाख रुपए कैश की चोरी कर अपराधी फरार हो गए थे। इस मामले में तकरीबन रेल पुलिस ने 10 अपराधियों को धर दबोचा है। वहीं इसके सरगना अंतर्राज्यीय गिरोह से संबंध रखते हैं, जिसका भी खुलासा पटना रेल GRP ने कर दिया है। आइए सीधे सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं रेल DSP सुशांत कुमार चंचल जी। पहुंचने के लिए जो CCTV कैमरा का मदद लिया, उसके बाद हमने जो है जो हमारा जो ह्यूमन इनपुट होता है, जो तकनीकी अनुसंधान होता है, और इस तरीके से जो एक कलेक्टिव टीम एफर्ट से एक जो पूरी SIT टीम की जो गठन हुई, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके जो है सो बुलेट गाड़ी चिन्हित किया, फिर अपराधियों को चिन्हित करके जो है उनकी अरेस्टिंग की गई है। CCTV के बाद आपको आगे की लीड कैसे? CCTV के बाद हम लोगों ने जो है सो उस आदमी का जो फोटो जो दिख रहा था, उसका हम लोगों ने व्यापक जो है सो वो किया, पता करने की कोशिश की, तो वहाँ से आदमी आइडेंटिफाई हुए। फिर वहाँ से एक बुलेट आ रहा था, उस बुलेट को हम लोगों ने जो है सो उस बुलेट को पता करने के लिए हम लोग है सो बहुत सारे प्रयास किए। वहाँ नहीं होने के बाद हम लोग एजेंसीज में गए, एजेंसीज उस आदमी का फोटो दिखा के, और हमने जब पता किया तो पता चला एक एजेंसी जिसका नाम हम नहीं बता रहे हैं, नहीं बता सकते हैं, वहाँ से इसका पता चला। पहली गिरफ्तारी हमने जो है सो उमेश कामत की पहली गिरफ्तारी, हाँ उसी के आधार पर हम लोगों ने फिर जो है सो और गिरफ्तारियाँ हम लोगों ने किया, ये राजेंद्र नगर स्टेशन के पास है, और इस संबंध में विशेष अभी जो है सो हम लोग सब लोग जो है सो बिहार के रहने वाले हैं, एक पटना के हैं, मनोज मंडल जो सरगना है ये जो है सो लखीसराय के रहने वाले हैं, संतोष पांडे जो है सो खुचरूपुर पटना के रहने वाले हैं, उसके बाद जो दूसरे अभियुक्त हैं एक उमेश कामत सुपौल के रहने वाले हैं, श्रवण कुमार उर्फ संतोष ये जो है सो धनरुआ पटना के, मोनू मिश्रा खजे कला पटना, और शशि सिंह जो है सो वो जिला भागलपुर के रहने वाले। इसमें सुनार भी है, हाँ जो स्वर्णकार जिन स्वर्णकार ने सोना को गलाया था और जिन्होंने खरीदा था उन्हें भी गिरफ्तारी जो है सो कर ली गई। हाँ हम सब ये लोग बताए सर कि पैसे के ये लोग क्या करते थे? ये लोग पैसे आपस में घटना करने के बाद हाँ अब जैसा उन्होंने बताया कि टोटल जो है सो उन लोग अभी तक 30 लाख मिला था, जिसमें बंटवारा उन लोगों ने 10 लाख मनोज मंडल को मिला था, 10 लाख संतोष पांडे को मिला था, और 8 लाख के आसपास जो उन्हें समझ मिला था। सब अलग अलग जगहों से जो अभियुक्त हैं, जब जब घर पे छापेमारी की गई तो उनके घर से जो है सो पैसे जो है सो बरामद किए गए। अभी तक इस संबंध में जो है सो जांच की जाएगी, अभी तक इस तरह की कोई जो है सो वो शराब कारोबार में का जो है सो अभी तक जांच के बाद ही इस पर कुछ स्पष्ट मंतव्य या निर्णय जो है सो लिया जा सकता है। संपत्ति जांच के लिए अभी इन लोग के हम अभी तो अनुसंधान के क्रम के पता चले कि इन लोगों ने पैसा कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, इन लोगों की कितनी संपत्ति है, ये अनुसंधान के बाद ही हम लोग जो है कोई निष्कर्ष पहुँचे। एक जो ने सोना गलवाया था उनका एक आनंद है पवन, एक जो है तो महाराष्ट्र के हैं, एक पवन और एक भोला दास हैं, और एक अरविंद कुमार हैं, 3 लोगों की अभी तक जो है गिरफ्तारी की। सर इनकी गिरफ्तारी से कितने मामले सुलझे हैं हाल फिलहाल में, इन्होंने कितने मामले कितनी वारदात की थी? ये अभी जांच चल रहा है, ये कई जगह से जेल जा चुके हैं, अब अगर अनुसंधान में और उनसे और जब पूछताछ की जाएगी तो उनसे और पता चलेगा कि कितने मामलों में जो है ये आपके वो थे। सर पूछताछ में इन्होंने बताया कि कुल कितने कांडों को अब तक ये लोग अंजाम दे चुके, ये लोग का जो MO है इन्होंने काफ़ी इनके केस रिकॉर्ड से ही पता चलता है कि 25 से 30 कांडों में तो लोग जेल ही जा चुके हैं, तो बहुत जो है सो इन्होंने जो है सो एक संगठित अंतर्राज्यीय चोर गिरोह था ये। 10 तारीख को भगत की कोठी कामाख्या एक्सप्रेस से वादी मनोज कुमार जैन के द्वारा ये बताया गया कि उनका तकरीबन 1-2 किलो के आसपास सोना और कुछ चांदी और 2 लाख के आसपास कैश भरा हुआ 2 बैग जो है सो उतार लिया गया था।
आज उस मामले का जो है सो उद्भेदन कर दिया गया है। घटना में शामिल 6 सक्रिय अपराधी की गिरफ्तारी कर ली गई है। साथ साथ जहां सोना गलाया गया था और जहां सोना बेचा गया है उन 3 स्वर्णकांडों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस कांड में जो 6 अभियुक्त थे वो बहुत शातिर थे और सबों पे जो है पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। इस गिरोह के सरगना थे मनोज कुमार मंडल, जिनका बभनगामा जिला लखीसराय के रहने वाले हैं। ये पूर्व में भी जो है तो झाझा में झाझा से जेल जा चुके हैं। इनका भी जो है तो आपराधिक इतिहास है। यह एक अंतर्राज्यीय गिरोह था जिसके सदस्य जो है सो पटना, कटिहार, इलाहाबाद, प्रयागराज, उसके बाद मथुरा, महाराष्ट्र जैसे जगहों से जो है मनाट, महाराष्ट्र मनाट जगह से भी जो है सो जेल जा चुके हैं। और इस घटना में हम लोगों ने टोटल अभी तक घटना में प्रयुक्त गाड़ी जो है बुलेट गाड़ी वो बरामद कर लिया गया है। घटना में लूटे गए जो सोना लूटा गया था, गला के जो पैसा लिया गया था वो 18 लाख रुपया कैश हम लोगों ने बरामद कर लिया है। टोटल जो वादी का 85 ग्राम सोना भी हम लोगों ने बरामद किया है। साथ साथ 1.2 kg सिल्वर और 10 मोबाइल जो था वो बरामद किया गया है। तकरीबन 10 के आसपास अटैची जो है जो ट्रॉली बैग होता है पुराना बैग वो भी बरामद कर लिया गया है। ये काफ़ी शातिर और एक अंतर्राज्यीय गिरोह चलाते थे और इन सबों का उद्भेदन जो है सो आज एक पटना पुलिस की एक बड़ी का पटना रेल पुलिस की एक बड़ी एक कहा घटना को अंजाम देते। ये इनका MO ये होता था कि लंबी गाड़ी की जो ट्रेन होती थी उसके ये AC में या स्लीपर में सुबह के टाइम में जब लोग थोड़ा सोने वाली मुद्रा में होते थे उस समय ये जो है घुसते थे और खुद पहले एक बार चिन्हित करते हैं। प्रायः उन यात्रियों को वो टारगेट करते हैं जिनके साथ महिला होती है और जैसे ही थोड़ा नींद की अवस्था में रहते हैं तो उनका जो है अटैची उतार देते हैं। कब से ये कर रहे थे ये इन सब का आपराधिक इतिहास बहुत पुराना है। मनोज मंडल पहले भी जेल जा चुके हैं। ये 10 साल से ऊपर इनका सक्रिय आपराधिक इतिहास है। अपराधियों तक तो जाहिर सी बात है जिस तरह से रेल में सबसे बड़ी चोरी की घटना अपराधियों ने अंतर्राज्यीय गिरोह के अपराधियों ने अंजाम दिया था जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए उनके पास से लगभग 85 ग्राम सोना, 1.25 किलो चांदी और 15 लाख रुपए कैश भी बरामद कर लिए हैं। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों को अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।